चॉकलेट फॉन्डी चैलेंज से ज्यादा अच्छा और स्वादिष्ट क्या हो सकता है? यही आज आपका इंतजार कर रहा है रापापा की चुनौती में। चलो चलते हैं, चलो। वाओ, मैं लंबे समय से एक नए फोन का सपना देख रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे आईफोन मिलेगा और वो भी एक पॉकेट कवर के साथ। अरे ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारे पास आईफोन क्यों है और मेरे पास एक गंदा सा ऑक्टोपस। उसे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। इसे चॉकलेट में डुबो कर देखो, शायद इसका स्वाद बेहतर हो जाएगा। इस बीच मैं अपने आईफोन में रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि चॉकलेट सही में स्वाद को ठीक कर देगा। तुम्हें ये कैसा लगा है माँ? दर्शकों को बताओ कि ऑक्टोपस का स्वाद कैसा है। तुम्हें लगता है कि यह मजाक है? तुम्हें पता भी है कि इसका स्वाद क्या हो सकता है? छी, कितना खराब है। तुम्हें अपने आईफोन को चॉकलेट में डुबाना होगा। चलो शुरू करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। छी, ये ऑक्टोपस बहुत ही खराब है, एकदम घिनौना। चलो अब तुम चॉकलेट में डुबाओ। मैं केवल ये आशा कर सकता हूँ कि आईफोन वाटरप्रूफ हो। अधिक सही होगा कि यदि ये चॉकलेट प्रूफ हो। अब ये काम नहीं कर रहा है, अब मैं इसके साथ क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने एक चुनौती में देखा था कि चॉकलेट पॉकेट कैसे बनाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही मुश्किल रेसिपी दिखाया गया था। मैंने सोचा था कि कोई आसान सा तरीका होगा। कुछ मिनट और लगेगा और ये चॉकलेट पॉकेट तैयार। अच्छा, हूँ ना मैं इंटेलिजेंट। अरे वाह, मुझे भी ट्राई करने दो प्लीज। नहीं, ये मेरा है और सिर्फ मैं ही इसे खाऊंगा। लालची अरे नहीं, ये प्याज जरूर मुझे बीमार कर देगा। मुझे सेब बहुत पसंद है। मुझे पता है कि अब क्या करना है। मैंने शॉपिंग मॉल में कैरमेल सेब देखे हैं और आज मैं इस आइडिया को और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ और एक चॉकलेट सेब बनाऊंगा। इसके लिए सेब को चॉकलेट फॉन्ड्यू में डुबोना होगा। और फिर कुछ चमकीले स्प्रिंकल्स छिड़कने होंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। देखो शानदार लग रहा है ना। ये शॉपिंग सेंटर के कैरमेल सेब की तुलना में बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लग रहा है। सेब हमेशा स्वादिष्ट होता है। और अब मैं एक स्वादिष्ट प्याज बनाने जा रही हूँ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? फिर देखो, प्याज को चॉकलेट में डुबो या और फिर बहुत सारे स्प्रिंकल्स को छिड़कना है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब ट्राई करती हूँ। कैसा बकवास है, मुझे चॉकलेट का स्वाद तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ प्याज खा रही हूँ। हाँ, और तुमसे कोई अच्छी गंध नहीं आ रही है। काश तुम सिर्फ इतना जानते कि मेरे मुंह में क्या हो रहा है। मुझे इस तुरंत गंदगी को धोना होगा। अब हम समझ चुके हैं कि प्याज के स्वाद को चॉकलेट भी ठीक नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ। वाह सुशी, मुझे अभी भूख लग रही है। अरे नहीं, कॉकरोच, मैं कुछ गंदा नहीं खाना चाहती।
मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती है? रो मत, शायद ये दुर्भाग्य है। मुझे चॉकलेट के साथ सुशी खाना होगा। ये अजीब सा कॉम्बिनेशन है, पर नहीं ये अच्छा है। चॉकलेट के साथ सुशी इतना स्वादिष्ट होता है, तो लोग सोया सॉस के साथ इसे क्यों खाते हैं? अब से मैं सिर्फ चॉकलेट ही ऑर्डर करूंगा। सुशी के साथ चॉकलेट से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है। एमा, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? इस कॉकरोच को ट्राई करने का समय हो गया है। मुझे इस पर बहुत संदेह हो रहा है। मुझे हाथ से छूने में भी डर लग रहा है। मैं नहीं कर सकती। हाथ से क्यों? मैं तुम्हें चॉपस्टिक दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझे इसे नहीं खाना पड़ेगा। काश ये जल्दी खत्म हो जाए। छी, ये कितना खराब लग रहा है। इसका स्वाद भयानक है। मैंने लंबे समय से इससे बदतर कुछ भी ट्राई नहीं किया था। वाह, मुझे आइसक्रीम मिली है। हालांकि इसके अंदर एक लाल मिर्च है। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और मेरे पास एक सिरिंज है। इसके अंदर क्या है? शायद यह लिक्विड गमी है। जो भी हो, अगर आप इसमें थोड़ी सी चॉकलेट डालेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। स्वादिष्ट, मीठा, कुछ नया सा। वाह, तुम्हें स्वादिष्ट लगा है और मुझे ये मिर्च वाला ट्रीट। दरअसल किसी अनलिखी इंसान का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। स्वादिष्ट आइसक्रीम है। अरे हाँ, ये स्वादिष्ट है। मैं तो बेकार का चिंतित हो रहा था। सुंदरता के लिए मिर्च को अंदर से भरा गया है। चॉकलेट तो पहले से ही अद्भुत स्वाद पूरक है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, देखिए ये सब कैसे खत्म होता है। एमा बचाने के लिए जरूर आएगी। आग बुझाने का समय आ गया है। आज पानी की जगह चॉकलेट होगा। धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना स्वादिष्ट बनाया जाएगा। वाह, एक गर्म दिन में तरबूज से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? निश्चित रूप से जिंदे कीड़े की कटोरी नहीं हो सकती है। ये कितना भयानक है। तुम्हें इसे खाना भी होगा। देखो, उस जानवर को चॉकलेट में मत गिराओ। ऐसा होने से रोकने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, एक बड़ा सा चम्मच। मुझे लगा कि मुझे इस कीड़े को खाना नहीं होगा। कितना भयानक है। इतना भयानक है कि प्याज और ऑक्टोपस की गंध भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है कि कीड़े मेरे मुंह में गुदगुदी कर रहे हैं। छी, मुझे जल्दी से चॉकलेट चाहिए। तुझे पता है, मुझे तरबूज के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ये कितना स्वादिष्ट है। तरबूज और चॉकलेट, एकदम कमाल का। मैं रसीले तरबूज को बहुत मिस कर रही थी। प्लीज मुझे भी दो। नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम अपने कीड़ा को खाओ। कीड़े? नहीं, ये बहुत घटिया है। एकदम घिनौने। अरे, यह क्या हो गया? अब गंदगी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो गई? अब ये चॉकलेट कीड़े हैं और ये बहुत स्वादिष्ट है।
लगता है जॉन का दिमाग खराब हो गया है। हम लोग कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि हम लोग एक स्वादिष्ट चुनौती के लिए तैयार हैं। मैं सबसे पहले पता लगाती हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। बड़ा सा गमी भालू, वाह, लेकिन ये तो बहुत कड़ा है। मुझे लगा कि गमी नरम होता है। कोई बात नहीं, मेरी छोटी सी पॉकेट आरी हमेशा मेरी मदद करती है। स्वादिष्ट, ये मेरे पसंद के फ्लेवर का है। कमाल का, शायद ये बहुत अच्छा है। मुझे भी खाने दो प्लीज। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अपना स्वादिष्ट चीज है? ठीक है, नूडल्स की एक पूरी बाल्टी। मैं तो लंच करना चाहती थी। मिरांडा, अब तुम मुझसे ईर्ष्या करोगी। मेरे पास नूडल्स की एक बाल्टी है और तुम्हारे पास केवल एक टेडी बियर है। अजीब स्वाद है, यह तीखा है। मिर्च, मदद करो, मुझे बहुत तीखा लग रहा है। पानी, मुझे पानी दो। अरे नहीं, आग नहीं रोकी गई तो हम सब यहाँ जल जाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है। धन्यवाद, मुझे तो लग रहा था कि एक क्षण में मैं कोयले में बदल जाऊंगी। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। बकवास, आग की वजह से मेरा भालू एक लिक्विड भालू में बदल गया। मैं उसे प्यार करने लगी थी। अरे वाह, स्वादिष्ट ट्यूब। ये क्या बकवास है? तुम्हारे पास ट्यूब क्यों हो जबकि मेरे पास जिंदा कीड़े? क्या तुम्हें भी ट्यूब चाहिए? इसे सूंघो। वैसे भी तुम्हें ये तो नहीं मिलेगा। पता है कि स्वादिष्ट दूध कौन पिएगा? मैं। तो बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए, मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, ऐसा हर कोई चाहेगा। लेकिन तुम मुझे परेशान कर रही हो। घूरो मत, बेहतर होगा कि तुम अपने कीड़े के साथ शुरू हो जाओ, शायद वे भी स्वादिष्ट हो। मुझे तो उसमें शक है, कितना भयानक है। जी, रोना बंद करो, शांति से बैठो और देखो कि मैं कैसे साधारण दूध को स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी दूध में बदल देती हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल होगा। देखो ये कितना प्यारा गुलाबी रंग आया है। तुम्हें स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन मुझे तो नहीं। चलो एक बार ट्राई करने दो प्लीज। मैंने कह दिया बिल्कुल नहीं। तब तो मुझे कुछ मजेदार बनाना होगा। मुझे आशा है कि तुम्हें कीड़ा फ्लेवर दूध अच्छा लगेगा। देखते हैं अब तुम क्या कहोगी। कितना स्वादिष्ट है। अरे मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? मेरे दूध में कीड़े कहाँ से आए? छी, कितना भयानक है। छी छी छी। मिरांडा, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। ये लो। छी, कीड़े मेरे ऊपर रेंग रहे हैं। उसे मुझसे दूर करो, हटाओ इसे। मिरांडा, पहले तुम शुरू करोगी, क्यों नहीं? अरे नहीं, नींबू नहीं, वे खट्टे होते हैं। छी, ये बहुत खट्टे होते हैं। और मेरे लिए क्या है? अरे वाह, चॉकलेट का फवारा, और वो भी गुलाबी रंग का। वाह, सबके लिए चॉकलेट है और मेरे नींबू गुलाबी भी नहीं है, इसलिए मुझे नींबू खाना नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, तुमने कोशिश ही नहीं की है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि नींबू वास्तव में किस रंग का है। देखो अंदर गुलाबी है। तुम बहुत बुरी हो। खैर कोई बात नहीं, मुझे ये खाना ही होगा। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं ये नींबू खा सकती हूँ। मैं बहादुर और मजबूत हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ। ये खट्टा भी नहीं है। हाँ, सच में? फिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? लगता है तुम छींकने वाली हो। मिरांडा, तुम कैसी हो? तुम अच्छी नहीं दिख रही हो। सब ठीक है, बस थोड़ा सा खट्टा खा लिया है। मैं समझती हूँ, अब मेरे लिए स्वादिष्ट चॉकलेट खाने का समय है। इसे साधारण चम्मच से खाना काफी नहीं होगा, कुछ और चाहिए। यह करछुल ठीक रहेगा। देखो कितनी खूबसूरती से बह रहा है।
कितना स्वादिष्ट है। एमा प्लीज मुझे भी ये खाने दो, मुझे सच में चॉकलेट चाहिए। नहीं, मैं सारी चॉकलेट खुद खाऊंगी। चॉकलेट तो निश्चित रूप से तुम्हें एक चॉकलेट बॉल मिलेगा। इसे अच्छी तरह से तैयार करना होगा जिससे इसका स्वाद और बेहतर हो। मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें स्वादिष्ट स्प्रिंकल्स के साथ एक चॉकलेट बॉल दूंगी और तुम मुझे अपना फाउंटेन दोगी। फाउंटेन? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। हुर्रे, अंत में मैं कुछ स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। ये किस तरह का चॉकलेट बॉल है? ये तो नींबू है। मिरांडा, तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं पता कि धोखा देना कितना भयानक होता है? मुझे मेरा फाउंटेन वापस दो। क्या कहा? तुमने मेरा नींबू खा लिया है तो फिर यह फाउंटेन मेरा हुआ? नहीं, तुमने कहा कि वो चॉकलेट था। चोर, चीटर, तुम ही ऐसी हो। तुम क्या बोल रही हो पता है? Okay. अरे वाह, मेरा पसंदीदा फैंटा और ये स्ट्रॉ के साथ है। देखो एबा, ये सिर्फ एक स्ट्रॉ नहीं है बल्कि बहुत ही स्टाइलिश चश्मा भी है। क्या यह मुझ पर अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। स्वादिष्ट, सुंदर और चमकदार, और क्या चाहिए? जितनी जल्दी हो सके मैं फैंटा ट्राई करना चाहती हूँ। मैं भी फैंटा को ना नहीं कहूंगी। मैं फैंटा को मना नहीं कर सकती। बेशक कोई भी फैंटा पीने से मना नहीं करेगा। क्या तुम एक बार ट्राई करने दे सकती हो? मेरा बहुत मन कर रहा है। नहीं, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। मुझे लगता है इस ढक्कन के नीचे कुछ स्वादिष्ट चीज है। केकड़ा, ये मेरे पास आ रहा है। हाँ एमा, तुम्हारी किस्मत खराब है। वो तो बाद में पता चलेगा। श्रीमान केकड़ा जी, हालांकि बहुत डरावना है लेकिन बहुत उपयोगी भी है। इसकी सहायता से मैं तुम्हारी फैंटा ले सकती हूँ। बस इतना ही, फैंटा अब मेरा है। मेरी स्वादिष्ट चीज कहाँ है? अरे एमा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुमने मेरी पूरी फैंटा पी ली? अब मैं क्या पीऊंगी? केकड़ा से मुझे बचाओ, मुझे लगता है वो मुझे खा जाएगा। मैंने तुमसे कहा था, उसने लगभग मेरी नाक पकड़ ली थी। क्या करूं? बिल्कुल, जब हम इसे स्वादिष्ट रूप से पका सकते हैं तो जीवित केकड़े से परेशान क्यों होना है? अब केवल ओवन ढूंढने की जरूरत है। तुम्हारे पास इतना कचरा क्यों है? अगर मेरे पास यह नहीं होता तो मुझे ओवन कहाँ से मिलता? इसके और तवे की मदद से मैं केकड़े को बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊंगी। अब मैं इसे पकाऊंगी। मुझे तो लगता है ये अच्छा नहीं होगा। तुम बेकार ही इतनी मेहनत कर रही हो। तुम मुझसे ईर्ष्या कर रही हो। वास्तव में केकड़ा बहुत लजीज होता है। तुम मुझे शुभकामनाएं दो। कितना भयानक है, तुम जो कुछ भी खा रही हो बहुत डरावना है। वास्तव में ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम भी ये खाकर देखना चाहती हो? नहीं, तुम खाओ। रापापा को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्वादिष्ट और शानदार चुनौतियों को मिस ना करें। आगे और भी मजेदार और दिलचस्प चुनौतियाँ होंगी। हमारे साथ बने रहें।